दोस्तों क्या होगा जब अमेरिका, चाइना और इंडिया में बनी तिजोरी को हम हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ये मिनटों सेकंडों में किसी भी चीज का कचुम्बर बना देता है। तो अब देखने यह है गाइस कि इन तीनों में से किस देश की तिजोरी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाती है। तो सबसे पहले हम अमेरिका में बनी तिजोरी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। जैसे ही इस पर वेट पड़ने लगता है तो ये टूटने लगती है और लगभग 8 टन का वेट पड़ने के बाद ये तिजोरी पूरी तरीके से टूट जाती है। तो अब बारी है चाइना में बनी तिजोरी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। हालांकि इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों ये तो वही बात हुई, चाइना में बनी तिजोरी तो काफी ज्यादा कमजोर निकली। सिर्फ 2 टन का वेट पड़ते ही ये तिजोरी तो पूरी तरीके से टूट गई। तो अब बारी अपने प्यारे भारत देश में बनी तिजोरी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। इससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों भारत में बनी तिजोरी तो काफी ज्यादा मजबूत निकली। इसको तोड़ने के लिए तो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को भी सबसे ज्यादा वेट लगाना पड़ा और पूरे 27 टन का वेट पड़ने के बाद तब कहीं जाके ये तिजोरी टूटने लगती। दोस्तों क्या होगा जब अमेरिका, चाइना और इंडिया में बनी जंजीर यानी कि लोहे की चेन को हम हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ये मिनटों सेकंडों में चीज का कचुम्बर बना देता है। तो अब देखना ये होगा गाइस कि इन तीनों देश में से किसकी जंजीर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाती है। तो सबसे पहले हम अमेरिका में बनी जंजीर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और जैसे ही इस पर 17 टन से ज्यादा का वेट पड़ता है तो ये टूटने लगती है, बट पूरी तरीके से भी नहीं टूटती। तो अब बारी है चाइना में बनी जंजीर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। हालांकि इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों ये तो वही बात हुई, चाइना की जंजीर तो काफी ज्यादा कमजोर निकली। सिर्फ 3 टन का वेट पड़ते ही ये जंजीर पूरी तरीके से टूट गई। अब बारी है अपने प्यारे भारत देश में बनी जंजीर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। इससे पहले सच्चे इंडियन इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में #India जरूर से लिखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों इंडिया में बनी जंजीर तो काफी ज्यादा मजबूत निकली। पूरे 100 टन का वेट पड़ने के बाद भी इस जंजीर का कुछ नहीं हुआ और यहाँ तक कि इसने तो पूरे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को ही तोड़ दिया। दोस्तों क्या होगा जब अमेरिका, चाइना और इंडिया में बने हथौड़े को हम हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ये मिनटों सेकंडों में किसी भी चीज का कचुम्बर बना देता है। तो अब देखना यह है गाइस कि इन तीनों में से किस देश का हथौड़ा हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाता है। तो सबसे पहले हम अमेरिका में बने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और जैसे ही इस पर 22 टन का वेट पड़ता है तो ये टूटने लगता है और टूट कर 2 हिस्सों में बट जाता है। तो अब बारी है चाइना में बने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। हालांकि इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों ये तो वही बात हुई, चाइना में बना हथौड़ा तो काफी ज्यादा कमजोर निकला। सिर्फ 8 टन का वेट पड़ने के बाद ये हथौड़ा तो टूटने लगता है। बारी है अपने प्यारे भारत देश में बने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों भारत में बना हथौड़ा तो काफी ज्यादा मजबूत निकला। इसको तोड़ने के लिए तो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को भी सबसे ज्यादा वेट लगाना पड़ा और पूरे 55 टन का वेट पड़ने के बाद भी इस हथौड़े का हाइड्रोलिक प्रेस मशीन कुछ नहीं बिगाड़ पाया।